11 जुलाई 2023 में आपके राशि अनुसार आपके दिन कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं। और जिस क्वेश्चन पे आपका राशि का नाम दिया हुआ है उसके साथ टाइमिंग दिया हुआ है, वहां पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके राशि अनुसार जो भी बताया गया है आप उस पर देख सकते हो। 11 जुलाई 2023 में मेष राशि के भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 0, भाग्यशाली समय है 7:42 PM। आप देखते हैं मेष पीएम के बारे में क्या बोला है। मेष राशि वाले अपने साथी के एक निष्कृत तरीके से व्यवहार करने से बीमार और थके हुए हो रहे हैं। सिंगल मेष राशि वाले आज थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आदर्श व्यक्ति साथ आएगा, बस इस पर विश्वास करें। आजीविका बारे में क्या बोला है। आज पैसों के मामले में अधिक जिम्मेदार बने। कुछ खरीदने से पहले अपने आप से पूछे कि क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। साथ ही ऐसी चीजें खरीदने की पूरी कोशिश करें जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। धन के बारे में बोला है, आपके भाग्यशाली अंक 90, 38, 27, 13, 14 और 38 होंगे। आज जुआ खेलने की सलाह नहीं दी जाती है। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, अगर आपको पहले कभी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रही है तो आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि संभव हो तो आज ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले। यात्रा के बारे में बोला है, आपके घूमने के लिए आदर्श स्थान कोलंबिया होगा। कुछ पोस्टकार्ड खरीदे। 11 जुलाई 2023 में वृषभ राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। वृषभ राशि का भाग्यशाली रंग देख सकता है, दिन का मिजाज अच्छा ही देख रहा है। भाग्यशाली संख्या 4 है, भाग्यशाली समय है 6:18 PM। अब प्रेम के बारे में क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप काफी समय से पसंद करते हैं, उनसे संपर्क करने का आत्मविश्वास पैदा करें। इस राशि के जातकों का अपने पार्टनर के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है। आजीविका मतलब करियर। आर्थिक रूप से आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप और भी बेहतर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब जब आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो जान लें कि आप ये कर सकते हैं। इसके लिए बस साहस, संगठन और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। उसके धन के बारे में लिखा है, बृहस्पति द्वारा आपको अच्छी ऊर्जा भेजने से आप बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और जैसे ब्रह्मांड आपकी रक्षा कर रहा है। स्वास्थ्य के बारे में है, आप हमेशा की तरह स्वस्थ हैं। आप अच्छे दिख रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। भले ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हवा में कुछ तनाव है, तनाव से मुक्ति का उपाय खोजें। यात्रा के बारे में बोला है, यातायात में सावधान रहे और यदि आपने आज शराब पी रखी है तो गाड़ी के पीछे ना बैठे, सेफ ड्राइव करें और जिम्मेदार एवं सुरक्षित रहे। 11 जुलाई 2023 में मिथुन राशि के भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्यशाली रंग देख सकते हैं, भाग्यशाली समय 7:17 AM है। प्रेम के बारे में क्या दिया हुआ है, आप अपने कामुक और भावुक पक्ष के अनुरूप रहेंगे। कुछ ऐसा प्रयास करें जो आपने कुछ समय से नहीं किया है या तो आपने अपने साथी के साथ नहीं किया है। आजीविका, दुख की बात यह है कि आज आपको बहुत अधिक आर्थिक हानि का अनुभव होगा। ये कोई बड़ा बिल या जुर्माना हो सकता है, कल बेहतर होगा। धन के बारे में क्या लिखा है, बैंगनी रंग आज आपके लिए ढेर सारी किस्मत लेकर आएगा, इसलिए उस रंग पर नजर रखें। आज शेयर बाजार में निवेश ना करें, शेयर बाजार में बच जाइए दोस्तों। आज 11 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य के बारे में क्या बोला है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव या मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने का उच्च जोखिम है, इसलिए ऐसी किसी भी चीज से बचें जो इसका कारण बन सकती है। अब यात्रा के बारे में क्या बोला है,
यात्रा करना आपके मन को शांत करने और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से छुटकारा पाने का एक शानदार तरीका है। 11 जुलाई 2023 में कर्क राशि के भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं आप। भाग्यशाली संख्या है 7, भाग्यशाली समय है 7 PM। PM के बारे में क्या बोला है, भले ही शुक्र आज आपको मजबूत ऊर्जा भेज रहा है, लेकिन अभी आपका रिश्ता जिस स्थिति में है आप उससे बहुत खुश नहीं है। सिंगल राशियों के साथ खूब फ्लर्ट किया जाएगा। आजीविका, यदि आप खर्च करने की होर में है तो आज निश्चित रूप से वो दिन है जब आपको अपने द्वारा किए गए नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आज किसी कन्या सहकर्मी से बात करिए। धन के बारे में बोला है, बृहस्पति आज आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देगा। आपका शुभ अंक 14 और 16 है। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, यदि आप पिछले कुछ समय से कसरत कर रहे हैं तो अंत आपको ऐसे परिणाम दिख रहे हैं जिससे आप बहुत खुश हैं। ऐसा भोजन करें जो विटामिन सी से भरपूर हो। यात्रा के बारे में है, जब आप यात्रा कर रहे हो तो बेहतर होगा कि आप अपने खर्च का हिसाब किताब रखें। समृद्धि चीज़ों पर फिजूल खर्चा ना करें, मतलब हर चीज़ पर फिजूल खर्चा मत कीजिए। कम से कम 11 जुलाई 2023 को। 11 जुलाई 2023 में सिंह राशि का भाग्यशाली रंग देख सकते हैं, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं। भाग्यशाली संख्या होगा 6, भाग्यशाली समय है 10:11 AM। संकेतों के अनुसार प्रेम के बारे में बोला है, संकेतों के अनुसार यदि आप एक साथ मौज मस्ती करने की आदत से बाहर हो गए हैं तो आप जो कर रहे थे उसे फिर से शुरू करें या नई चीजों के लिए विचार लेकर आए जिसका आप दोनों आनंद लेंगे। एकल राशि वालों को कन्या राशि वाले के आसपास रहने का आनंद मिलने वाला है। आजीविका, कार्य दिवस के अनंत में कुछ आय की उम्मीद करें। आप सोच रहे होंगे कि जब करियर की बात आती है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। किसी मित्र से पूछे कि क्या वे जानते हैं कि कोई बेहतर नौकरी उपलब्ध है। धन के बारे में बोला है, बड़ी भीड़ से बचे या बाहर ना निकले। पूरे दिन आपको आर्थिक तौर पर कुछ किस्मत का साथ मिल सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करें। बहुत से लोग लंबे समय तक ब्रश नहीं करते, फ्लश नहीं करते और नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास नहीं जाते। अपने टूथब्रश ब्रश को उसी तरह पकड़े जैसे पेंसिल पकड़ते हैं और कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें। यात्रा, विश्व स्तर पर एक महामारी चल रही है। यात्रा अनुशासित और निषिद्ध नहीं है। घर में रहना, मतलब आपको घर में रहना ही सेफ है, वही पता है बता रहा है, मतलब कोई दूर में मत जाइए। 11 जुलाई 2023 में कन्या राशि के भाग्यशाली रंग देख सकते हैं आप, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं आप। भाग्यशाली संख्या होगा 7, भाग्यशाली समय है 6:40 AM। प्रेम के बारे में क्या बोला है, कन्या राशि वालों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे रहा है। एकल राशि वाले अपने अतीत के बारे में सोचेंगे, खासकर उनके पिछले रिश्ते। आजीविका मतलब करियर, जब आपके बिंद की बात आती है, मतलब फाइनेंशियल की बात आती है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होते कोई भी चीज़ होती है जो आपके बिंद की बात में फाइनेंशियल की बात आती है तो आप अच्छा और आरामदायक महसूस कर रहे हैं। हालांकि आप कुछ अतिरिक्त आय का उपयोग कर सकते हैं। आपका करियर अच्छा और स्थिर चल रहा है। धन के बारे में क्या बोला है, अंक 54, 29, 10, 2, 43, 29 और 5 आज आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छी ऊर्जा लेकर आने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में क्या बोला है, एक अच्छा कार्डियो वर्कआउट चमत्कार करेगा। आज आपको सोने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि शाम को आपके पास आराम करने के लिए कुछ हो।
आपके घूमने के लिए आदर्श स्थान शिवदत्त होगा जो मेक्सिको के में स्थित एक भव्य शहर है। 11 जुलाई 2023 में तुला राशि का भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिन का मिजाज देख सकते हैं, भाग्यशाली संख्या है 2, भाग्यशाली समय है 11:07 PM। प्रेम के बारे में क्या बोला है, एकल तुला राशि के लोग एक सहज और तेजी से आगे बढ़ने वाले नई रिश्ते में शामिल हो सकती है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। ये छेड़खानी और रोमांचक यौन संपर्कों का समय है। आजीविका मतलब करियर, आज आपको ऐसे सुखद आश्चर्य देखने को मिलेंगे जो आपको उत्साहित करेंगे और आज आपको बढ़ावा देंगे। बृहस्पति का धन्यवाद, गिलास आधा भरा है आधा खाली नहीं। धन के बारे में क्या बोला है, बृहस्पति उच्च शिक्षा आवश्यकताओं के मामले में भाग्य लाता है। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण का मतलब है कि आपका समग्र दृष्टिकोण कुछ भी कर सकने वाला है और इसका मतलब है कि आप जीवन में अपने स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। यात्रा के बारे में बोला है, स्कीइंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को प्राथमिकता दी जाती है। 11 जुलाई 2023 में वृश्चिक राशि का भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिन का मिजाज देख सकते हैं, भाग्यशाली संख्या होगा 8, भाग्यशाली समय है 6:16 AM। हो सकता है कि लिए गए संकेत आज उतने अच्छे ना लगे। एकल वृश्चिक राशि के लोग अपने अतीत के लोगों के बारे में बहुत सोचने वाले होते हैं। पूर्व प्रेमी, पूर्व साथी, पूर्व हुक्का इत्यादि। आजीविका, बहुत संभव है कि आज आपके बॉस को किसी चीज में आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। ये उन्हें ये दिखाने का सही मौका होगा कि आप कितने सक्षम है। धन के बारे में बोला है, आपका भाग्यशाली अंक 7 और 83 रहने वाला है। आज आप रहने अपने जीवन के हर पहलू में ढेर सारी अच्छी किस्मत की उम्मीद कर सकते हैं। स्वास्थ्य, आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। यदि आपको अवसाद या चिंता की समस्या है और आपको लगता है कि ये बेहतर होती जा रही है तो अपने चिकित्सक को बुलाने में संकोच ना करें। सहायता की आवश्यकता कभी भी वर्जित नहीं होनी चाहिए। अब यात्रा के बारे में बोला है, आपको जिस स्थान पर जाना चाहिए वो स्लोवाकिया या स्लोवेनिया है, तुम्हें वहाँ खूब मजा आने वाला है। 11 जुलाई 2023 में धनु राशि का भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं, भाग्यशाली संख्या है 3, भाग्यशाली समय है 3:47 PM। अब प्रेम के बारे में क्या बोला है दोस्तों, आप हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें हर कोई अच्छा और दयालु मानता है। उन्हें दिखाए कि धनु राशि का व्यक्ति भी सिंह राशि की तरह ही भावुक हो सकता है। सिंगल राशि वालों का आज फ्लर्टिंग करने का मन नहीं करेगा। और आजीविका मतलब करियर के बारे में क्या बोला है, बस कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि आप लापरवाही से पैसा खर्च करते रहते हैं, वित्तीय सलाह मतलब फाइनेंशियली सलाह के लिए किसी बुद्धिमान सिंह राशि से पूछे। आज कार्यस्थल पर चीजें बहुत स्थिर और उबाऊ है। धन के बारे में बोला है, आप उस भाग्यशाली तरंगों को महसूस करेंगे जो बृहस्पति आज आपको भेज रहा है। यदि आप जुआ खेलने का निर्णय लेते हैं तो भी आपको थोड़ी किस्मत का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, आप बहुत स्वस्थ है लेकिन आज आप शायद अपने पैरों पर ध्यान देना चाहिए। आपको दिन भर में कुछ बैठन का अनुभव हो सकता है। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करें। यात्रा, यदि कोई ऐसी मंजिल है जिसके बारे में आप सपना देख रहे हैं तो उस सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। अपने बजट की योजना बनाकर
शुरुआत करें। मकर राशि का भाग्यशाली रंग देख सकते हैं, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं आप। भाग्यशाली संख्या होगा 4। भाग्यशाली समय है 7:25 PM। प्रेम के बारे में क्या बोला है, आप थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने साथी के करीब रहने और उनके साथ जितना संभव हो उतना समय बिताने की तीव्र आवश्यकता महसूस होगी। एकल राशियों के लिए एक जंगली रात होगी। आजीविका मतलब करियर, यदि आप अपनी रिश्ता जारी रखने के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही ऐसा करने के तरीके की तलाश शुरू कर दे। मकर राशि आपको कुछ बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलेगी जो तुरंत आपका ध्यान खींच लेंगी। धन के बारे में बोला है, आज आपका आर्थिक भाग्य उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए यदि आप आज बहुत खेलते हैं तो ये बहुत बुरा विचार है। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, आज करवाए क्योंकि आज आपका कमजोर स्थान आपका गला होगा। आज हाइड्रेटेड रहे और सिगरेट और शराब से दूर रहे, ये आपको आपके लिए अच्छा नहीं होगा और ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है। यात्रा, आज आप जिस देश में रहते हैं वहाँ से बाहर निकलने पर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आपको बदलाव की सख्त ज़रूरत है और आपको इसलिए अभी भी ज़रूरत है। 11 जुलाई 2023 में कुंभ राशि का भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिन का मिजाज देख सकते हैं। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली समय है 2:28 PM। अब प्रेम के बारे में क्या बोला है, संभवतः ये वो दिन होगा जब आपकी कूटनीतियों क्षमताओं की प्रतीक्षा होगी। आज के दिन के लिए आपका कुंभ राशिफल हमारे प्रेम जीवन के संबंध में कम से कम ये कहने के लिए जटिल लगता है कि धैर्य और हरता की आवश्यकता है। आजीविका मतलब करियर के बारे में बोला है, आपका राजस्व प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिस पर आपकी और से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भले ही चीजें प्रभावी ढलान पर दिखाई दे लेकिन सावधानी ना बरते। आज कोई अचानक परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, सतर्क रहे और उस चीज पर खर्च करने के किसी भी प्रयास को चेतावनी दे जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। धन, आज भाग्य धन के बारे में बोला है, आज भाग्य आपका साथ देगा। आप कम से कम प्रयास में अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, आपकी आदतों में अधिक अनुशासन से आपको दीर्घकालीन लाभ मिलने की संभावना है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। आपका शरीर आपका मंदिर है, हर दिन की घटनाओं से निपटने में अधिक सावधानी बरतने का प्रयास करें जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। यात्रा के बारे में बोला है, किसी धार्मिक स्थान की पारिवारिक यात्रा की संभावना है, ये यात्रा आपको अधिक सक्रिय ऊर्जावान और शांत बनाएगी। 11 जुलाई 2023 में मीन राशि का भाग्यशाली रंग आप देख सकते हैं, दिन का मिजाज भी देख सकते हैं। भाग्यशाली रंग संख्या है 3। भाग्यशाली समय है 9:29 AM। प्रेम के बारे में क्या बोला है, किसी पुराने रिश्ते के खत्म होने पर समझौता करना एक मुक्तिदायक प्रक्रिया हो सकती है, इस भावना को गले लगाओ। आजीविका मतलब करियर के बारे में बोला है, आप जो चाहते हैं उसके लिए जाए। आपकी महत्वाकांक्षा और ड्राइव आपके स्वास्थ्य में रास्ते में मदद करेगी। धन के बारे में बोला है, जो कुछ भी होना है वो हमें सबक सिखा सकता है। स्वास्थ्य के बारे में बोला है, यदि आप एक ऐसा संतुलन टूटने में कामयाब रहे हैं जो आपके लिए काम करता है तो बढ़िया, इसके साथ बने रहे। यात्रा के बारे में बोला है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ना करें।
अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो आज योजनाओं को स्थगित रखें।